सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस 10 a अपॉन 1 प्लस cot a का होल स्क्वायर बराबर है 10 स्क्वायर a। यहाँ हम देखते हैं कि प्रश्न में त्रुटि है, हम इसलिए हर में 1 प्लस cot a के स्थान पर 1 माइनस cot a ले लेते हैं। यहाँ प्रश्न में त्रुटि होने से हम 1 प्लस cot a जो हर में लिखा है उसके स्थान पर 1 माइनस cot a ले रहे हैं। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 1 माइनस 10 a बटा 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। अब हम 10 a के पदों में cot a को लिख देते हैं, तो हम जानते हैं कि cot a बराबर होता है 1 बटा 10 a, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 1 माइनस 10 a बटा 1 माइनस 1 बटा 10 a का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, जो हर में cot a लिखा है उसे 1 बटा 10 a लिख लिया। सरल करते हैं तो हर हमारा क्या बन जाएगा, लघुत्तम तो हर में आ जाएगा 10 a और प्राप्त करेंगे 10 a माइनस 1। अब पुनः यदि हम माइनस यहाँ पर कॉमन ले लें तो माइनस एक कॉमन लेने से हमें ब्रैकेट में प्राप्त होगा 1 माइनस 10 a, माइनस कॉमन आ जाएगा तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस 10 a, जो कि इस 1 माइनस 10 a से कैंसिल हो जाएगा और हमारे को ब्रैकेट में प्राप्त होगा माइनस 10 a का होल स्क्वायर। और माइनस 10 a का होल स्क्वायर स्पष्ट है 10 स्क्वायर a के बराबर होता है जो हमारा राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध कर दिया राइट हैंड साइड के बराबर। इति सिद्धम। 3x³ + x² + 2x + 5 को 1 + 2x + x² से भाग दीजिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो भाज्य है वो है 3x² + 3x³ + x² + 2x + 5, जबकि भाजक हमारा है 1 + 2x + x². भाज्य हमारा है 3x³ + x² + 2x + 5। यहाँ भाज्य x की घटती हुई घातों में है तो यह इसका मानक रूप में है, भाजक हमारा x की बढ़ती हुई घातों में है, हम इसे मानक रूप में लिख लेते हैं। तो भाजक हमारा हो गया मानक रूप में x² + 2x + 1, अर्थात यहाँ हमने भाजक को x की घटती हुई घातों के रूप में लिख लिया। अब हम भाजन की क्रिया करते हैं तो भाग लगाने पर हम देखते हैं कि 3x³ + x² + 2x + 5 को हमने यहाँ लिख लिया और भाजक को हमने लिख लिया x² + 2x + 1। अब हम x² को जब 3x से गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें 3x³ का पद मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने भाग देने के लिए 3x से भाजक को गुणा किया, सारे पद गुणा होंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x³ + 6x² + 3x। हमने 3x से x² + 2x + 1 को गुणा किया और प्राप्त किया कि 3x³ + 6x² + 3x। घटाते हैं तो घटाने से हमने को सबके चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे, सबके चिन्हों को बदल दिया, 3x³ से 3x³ ये माइनस का है कैंसिल हो जाएगा, x² - 6x² तो हमको क्या प्राप्त होगा -5x², 2x - 3x से हमें क्या मिलेगा -x, और हमने 5 को अब नीचे उतार लिया। अब स्पष्ट है कि हमें -5x² प्राप्त करना है तो हमें भाजक x² + 2x + 1 को -5 से गुणा करना पड़ेगा। हम प्राप्त करेंगे कि -5x² - 10x - 5। हमने क्या किया, भाजक x² + 2x + 1 को -5 से गुणा किया, प्रत्येक पद को -5 से गुणा किया तो प्राप्त किया -5x² - 10x - 5। घटाने के लिए हमें पुनः चिन्हों को बदलना होगा, माइनस के चिन्ह को हमें प्लस का चिन्ह करना होगा और हम देखते हैं कि 5x² और प्लस का 5x² कैंसिल हो गए
तो यहां क्या मिलेगा हमें, माइनस एक्स प्लस 10x अर्थात 9x, और 5 प्लस 5 अर्थात 10। तो इस प्रकार हमने शेषफल प्राप्त कर लिया 9x प्लस 10, जबकि भागफल हमारा है 3x माइनस 5। अब हम देखते हैं कि भागफल हमारा 3x माइनस 5 है और शेषफल हमारा 9x प्लस 10 है। तो विभाजन एल्गोरिदम से क्या है कि भागफल इनटू भाजक प्लस शेषफल का मान भाज्य के बराबर आना चाहिए। यहां भागफल है 3x माइनस 5, भाजक जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और शेषफल है 9x प्लस 10। इन मानों को यहां हमने रख दिया तो 3x माइनस 5 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 9x प्लस 10 हमें प्राप्त होता है। सरल करते हैं, गुणा करने से हमें क्या मिलेगा, गुणा करने से 3x, जब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से गुणा होगा तो 3x³ प्लस 6x² प्लस 3x मिलता है। जब माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से गुणा होगा तो हमें मिलेगा माइनस 5x² माइनस 10x माइनस 5 प्लस 9x प्लस 10। हमने शेषफल को एज इट इज उतार लिया, तो सरल करते हैं और सरल करने से ये मान हो गया, सिंप्लीफाई करने से 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 6x² माइनस 5x² एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, तो एक्स स्क्वायर हमने प्राप्त कर लिया। और 3x माइनस 10x प्लस 9x हमें देता है 2x, तो हमने 2x प्राप्त कर लिया। माइनस 5 प्लस 10 हमें देता है प्लस का 5, तो हमने प्लस का 5 प्राप्त कर लिया। तो स्पष्ट है यहां पर कि यह भाज्य के बराबर है, तो क्योंकि यह मान भाज्य है। हमारा भाज्य क्या है, हमारा भाज्य है 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो विभाजन एल्गोरिदम से हमने भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल का मान भाज्य के बराबर प्राप्त कर लिया, अतः विभाजन एल्गोरिदम यहां सत्यापित होता है। तो इस प्रकार हमने हमने 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग लगा दिया और हमने विभाजन एल्गोरिदम को सत्यापित कर दिया। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम मान लेते हैं कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। हमने सिद्ध करना है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो यदि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या हम मान लें तो ए और बी दो पूर्णांक इस प्रकार से विद्यमान होंगे कि अंडर रूट 2 बराबर ए बटा बी लिख सकते हैं, जहां बी का मान 0 के बराबर नहीं है और ए और बी सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। क्योंकि हमने अंडर रूट 2 को एक परिमेय संख्या मान लिया है तो हम इसे ए बटा बी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां बी 0 के बराबर नहीं है और ए और बी दो सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो वर्ग करने से हम क्या प्राप्त करेंगे, हम प्राप्त करेंगे 2 बराबर हो गया ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, अर्थात 2b² बराबर है ए स्क्वायर। तो ये हमें देता है कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 a² को विभाजित करता है, जो बतलाता है कि 2 a को विभाजित करता है। हमने इसे पहला समीकरण मान लिया कि 2 a को विभाजित करता है। अब यदि 2 a को विभाजित करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम a बराबर 2c लिख सकते हैं, जहां c कोई पूर्णांक है। क्योंकि हमने क्या प्राप्त किया है कि 2 डिवाइड करता है a को, तो हम a बराबर 2c लिख सकते हैं, जहां c कोई पूर्णांक है। और ये बात हमें वर्क करने से देती है
कि ए स्क्वायर बराबर 4c² होगा, और क्योंकि ए स्क्वायर हम पहले देख चुके हैं कि 2b² के बराबर है, इसलिए 2b² का मान होगा 4c² के बराबर। तो ये हमें देता है कि बी स्क्वायर बराबर है 2c², इसका मतलब हुआ कि 2 डिवाइड्स b², अर्थात 2b² को विभाजित करता है, अर्थात 2b को विभाजित करता है, और ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो गया। तो पहला स्टेटमेंट हमारा है 2 डिवाइड्स a, और दूसरा है 2 डिवाइड्स b। अब दोनों, प्रथम और सेकंड, दोनों स्टेटमेंट से हम देखते हैं कि ये स्पष्ट है कि ए और बी में दो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि दो ए को भी विभाजित करता है और 2 बी को भी विभाजित करता है। तो इससे स्पष्ट है कि ए और बी में दो उभयनिष्ठ है, परंतु ये हमारे इस तथ्य का विरोध करता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्योंकि हमने जो ए और बी संख्याएं ली हैं वो ली हैं किस प्रकार, ए और बी दो पूर्णांक लिए हैं, वो हैं ए एवं बी सहअभाज्य हैं, अर्थात उनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो ये इस बात का विरोधाभास आ गया हमारे पास कि ए और बी में एक के अतिरिक्त भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इस बात का हमें विरोधाभास मिल गया पहले और दूसरे स्टेटमेंट से कि ए और बी में दो उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसलिए हमारी जो परिकल्पना है वो गलत है, प्रारंभ में जो हमने परिकल्पना ली है वो गलत है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। एपी 17, 15, 13 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 81 हो। यहां हमें जो दी गई एपी है वो है, पहला पद है 17, दूसरा है 15, तीसरा है 13, और ये क्रम चल रहा है। तो यहां हम देखते हैं कि एपी घटती हुई है, जिसका पहला पद ए 17 है और सारवंतर 15 माइनस 17 अर्थात डी का मान -2 के बराबर है। अब हमें यहां इस प्रकार से निकालना है कि योग 81 हो जाए। हम मान लेते हैं कि n पदों का योग 81 के बराबर है, तो हमें n का मान ज्ञात करना होगा, अर्थात हमने क्या मान लिया, n पदों का योग Sn बराबर 81, तो n का मान हमें यहां ज्ञात करना है। अब हम सूत्र Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से देखते हैं कि Sn का मान यहां 81 है, n हमें ज्ञात करना है, तो 81 बराबर n बटा 2 2 इंटू a यहां 17 है, तो 2 इंटू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान -2 है। तो हमने सूत्र Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में हमने a, d और Sn के मान रख दिए, हमें n का मान ज्ञात करना है। तो हम इस समीकरण को अब सरल करते हैं, तो 81 बराबर हो जाएगा n बटा 2, हमने 2 इस समीकरण में से कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या प्राप्त किया, 17 माइनस n प्लस 1, हमने 2 यहां से कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 17 माइनस n प्लस 1। सरल करें, 17 और 1 18 होते हैं, तो ब्रैकेट में तो हो जाएगा 18 माइनस n, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कट गया, तो 81 बराबर हो गया n इंटू 18 माइनस n। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया। तो द्विघात समीकरण हमारा क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 81 बराबर 0, क्योंकि जब n 18 से गुणा होगा तो 18n हो जाएगा, n जब माइनस n से गुणा होगा तो माइनस n का स्क्वायर बन जाएगा,
पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का एन स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, 18n जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, प्लस 81 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में पहले से ही है, तो हमारा द्विघात समीकरण बन गया एन स्क्वायर माइनस 18n प्लस 81 बराबर 0। अब यहाँ एन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एन का होल स्क्वायर, 18n को जो माइनस का 18n है उसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू एन इंटू 9, और 81 हम जानते हैं 9 का पूर्ण वर्ग होता है। तो इस प्रकार हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा n का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एन इंटू 9 प्लस 9 का होल स्क्वायर, और ये बराबर 0 है। अर्थात ये सूत्र बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो गया n माइनस 9 का होल स्क्वायर, और इसका मान क्योंकि 0 के बराबर है तो n का मान हमने प्राप्त कर लिया, इसलिए n बराबर 9, अर्थात श्रेणी के 9 पदों का योग 81 है। तो हमने प्राप्त कर लिया कि दी गई श्रेणी में कितने पद लिए जाएं, तो दी गई श्रेणी में हम यदि 9 पद लेंगे तो योग 81 प्राप्त करेंगे। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम चित्र से प्रश्न को समझते हैं। हम मान लेते हैं कि ए और बी बिंदु नदी के सम्मुख किनारों को प्रकट करते हैं, जिससे नदी की चौड़ाई ए बी है। हमने क्या मान लिया, हमने ए और बी दो बिंदु मान लिए, ए बिंदु और बी बिंदु, ये नदी के जो सम्मुख किनारे हैं उनको दर्शा रहे हैं, और ए बी जो है ये नदी की चौड़ाई है। हमने 4 मीटर ऊंचा जो पुल है उस पर बिंदु पी ले लिया, तो पी बिंदु से जो ऊंचाई है पी डी जो है वो 4 मीटर के बराबर है, और हमें ज्ञात करना है ए बी अर्थात नदी की चौड़ाई। तो हमने पुल जो है उस पर बिंदु पी लिया, पी की ऊंचाई जो है अर्थात डी बी जो है वो 4 मीटर है, हमें ज्ञात करना है चौड़ाई नदी की जो कि ए बी द्वारा निरूपित है। अब यहाँ स्पष्ट है कि ए बी बराबर ए डी प्लस बी डी है, ए बी जो ए बी है वो ए डी प्लस डी बी बी डी या डी बी के बराबर है। तो हम समकोण त्रिभुज ए डी पी में देखते हैं कि कोण डी 90 डिग्री का है, और समकोण त्रिभुज पी डी बी में देखते हैं कि डी कोण जो है वो 90 डिग्री का है। अब प्रश्न में हमें दिया गया है कि अवनमन कोण जो सम्मुख किनारों से हैं वो क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। तो पी बिंदु से जो अवनमन कोण है वो 30 डिग्री है, अर्थात ये एकांतर कोण बनाता है कोण ए के साथ। तो त्रिभुज ए डी पी में जो कोण ए है वो 30 डिग्री है। इसी प्रकार जो दूसरा किनारा है उसका अवनमन कोण 45 डिग्री है, अर्थात त्रिभुज बी डी पी में कोण बी जो है वो 45 डिग्री के बराबर है। अब हम समकोण त्रिभुज में देखते हैं कि समकोण त्रिभुज पी डी ए में कोण ए बराबर 30 डिग्री है, इसलिए टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा, पी डी बटा ए डी के बराबर होगा। हम जानते हैं कि टेन थीटा जो होता है वो लंब बटे आधार होता है, लंब यहाँ पी डी है, ए डी आधार है, तो टेन 30 डिग्री बराबर पी डी बटा ए डी है। अब पी डी हमारा या डी पी 4 मीटर है, क्योंकि पुल की ऊंचाई जो है वो 4 मीटर है, तो पी डी का मान हम 4 मीटर रख देते हैं। 30 डिग्री हम जानते हैं कि 1/√3 के बराबर होता है, तो 1/√3 बराबर 4/AD, अर्थात हम प्राप्त करते हैं AD बराबर हो गया 4√3 मीटर के। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई से वज्रगुणा से प्राप्त कर लिया कि AD का मान 4√3 मीटर है। अब हम
दूसरे त्रिभुज जो दूसरा समकोण त्रिभुज है उसमें देखते हैं, त्रिभुज पीडीबी में हमने पीडीबी में देख लिया कि कोण डी 90 डिग्री है, कोण बी जो है वो 45 डिग्री है, तो त्रिभुज पीडीबी में कोण बी बराबर 45 डिग्री है, इसलिए टेन 45 डिग्री का मान होगा पीडी बटा बीडी के बराबर। कोण बी के लिए हम देखते हैं कि पीडी लंब है और डीबी आधार है, तो टेन 45 डिग्री बराबर पीडी बटा बीडी। पुनः पीडी का मान 4 है, 4 मीटर है, और टेन 45 हम जानते हैं 1 के बराबर होता है, तो 45 टेन 45 का मान हमने 1 रख दिया और पीडी का मान 4 मीटर रख दिया, तो 1 बराबर हो गया 4 बटे बीडी, और ये देता है हमें बीडी बराबर 4 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई से बीडी का मान हो गया 4 मीटर के बराबर। अब हमने एडी ज्ञात कर लिया, हमने बीडी ज्ञात कर लिया, और एबी जो है वो एडी और बीडी का योग है, इसलिए नदी की चौड़ाई अर्थात एडी प्लस बीडी का मान हो गया 4 अंडर रूट 3 प्लस 4 मीटर, 4 हम कॉमन ले लें तो हम क्या प्राप्त करेंगे, 4 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। तो इस प्रकार हमने नदी की चौड़ाई ज्ञात कर ली, नदी की चौड़ाई है 4 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर।